Pero mamá. मोड़ के कारवां खोज ले साहिबा, जब कदम उठ गए मंजिले ठान के, क्यों नजर बेस कैंप यानी दरबार कच्ची वाली सरकार पहुंच चुके हैं और ये यहाँ पे बाइक्स पार्क की हैं और अब यहाँ से हाइकिंग शुरू करने लगे हैं। एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक 2 घंटे की हाइकिंग है और इस वक्त 5:30 बज रहे हैं, फिर शुरू करते हैं हाइक। इसे कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़े, पहला रास्ता ही इतना ख़राब है। इसे यही कहते हैं। अच्छा वो मेरी कलेक्शन है पत्थरों की। अब तो वैसे भी सूरज नीचे जा रहा है यार, ये रास्ता ख़राब हो गया काफ़ी पिछली दफ़ा की नस्बत। ये थोड़ा सा आगे जाके एक ये रास्ता जा रहा है और एक ये राइट साइड पे जा रहा है। पिछली दफ़ा हम इस रास्ते पे चले गए थे तो भूल गए थे। ये यहाँ पे निशानी लगी हुई है, ये थोड़े से पत्थर पड़े हुए हैं, तो ये राइट साइड वाले रास्ते पे जाना है। यहाँ से स्टॉप किया रास्ते में, वाटर ब्रेक। और कितना रास्ता हो गया, आधा हो गया, 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर रहता है अभी, 1 किलोमीटर नहीं हुआ अभी, हो गया मौलाना 2 घंटे लगते हैं। ये इस वक्त हम बिल्कुल जंगल के बीच में, मैं तो 20 मिनट लगे बस, और यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करके फिर अपने ट्रैकिंग जारी रखते हैं। यहाँ रास्ते पे मुख्तलिफ कलर के स्टोन हैं, वाइट है, येलो है और ये पर्पल कलर है। काफ़ी सारे स्टोन हैं यहाँ पे पर्पल कलर के। ये देखें, ये एक पत्थर है बिल्कुल पर्पल कलर का। तकरीबन 20 मिनट की ट्रैकिंग के बाद ये सीनरी सामने आती है। ये सामने जो चट्टान है इसके ऊपर, इसके टॉप पे तुलाजा फोर्ट के रिमेन्स हैं। तो आई थिंक हमने आता रास्ता कर लिया, अब हमने इसकी टॉप पे जाना है। अब दोबारा चढ़ाई शुरू हो गई है, पहले थोड़ा प्लेन एरिया था और अभी आखिरी चढ़ाई हो रही है। हमने ये चढ़ के ये इसकी टॉप पे जाना है। अब थोड़ी मुश्किल ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है, ये हमने इस चट्टान के ऊपर चढ़ना है।
हट जा भाई, ये एक बड़ी सारी चट्टान आई है रास्ते में और ये अंदर से रास्ता जाने का। काफी एडवेंचरस लग रहा है और पता नहीं कितने हजार साल पुराना। और ये चट्टान इन पत्थरों के सहारे पे, ये जो पत्थर है इन पे, तो चलते हैं इसके अंदर। आगे से है रास्ता, हम कहाँ आ गए हैं, वहाँ पे शायद चमगादड़ें भी हैं और आगे से रास्ता बंद है। यहाँ से बैठ के गुजरा जा सकता है लेकिन जो रास्ता प्रॉपर है वहाँ से जाते हैं, वहाँ से हम गुजरे हैं ना मरी के साथ से, और लिखा था यहाँ दाखिल होने वाले को गोली मार दी जाएगी। बेस था ना, उस पर लिखा हुआ था आर्मी बेस, यहाँ दाखिल होने वाले को गोली मार दी जाएगी। पिछले ज़माने में शायद यहाँ भी लिखा हुआ होता हो। चल भाई, अच्छा अब हम बिल्कुल करीब है इसके टॉप में पहुंचने के। ये सीढ़ियां किले की, तकरीबन कितने 45 मिनट लगे हैं हमें, 45 से भी कम ही लगे, आधा घंटा 40 मिनट लगे हैं। जहाँ मैंने अपनी बाइक्स खड़ी की थी वहाँ से ट्रैकिंग। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, किसी ने वहाँ पर लगाया। अच्छा, ये है तुलाजा फोर्ट सोन वाली की आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है और इसके बारे में दो रिवायत है। एक ये है कि ये 5000 ईयर्स पुराना और दूसरा है कि ये तकरीबन 1200 साल पुराना, मुगलिया दौर में यहाँ पे ये किला बनाया गया था पहाड़ की टॉप पे। अब तो ये कुछ दीवारें रह गई हैं और अंदर कुछ कमरों की बाकी आते हैं, तो वो जाके देखते हैं। रास्ता इसका बिल्कुल सुनसान है और गाइड के बगैर आप नहीं आ सकते, रास्ते में घूमने का ख़तरा बहुत ज़्यादा। हम पिछले साल आए थे तकरीबन 1.5 साल पहले, तब रास्ता भूल गए थे लेकिन अब सही रास्ते पे आए हैं और यहाँ पहुँच गए। बिल्कुल वीराना है, कुछ नहीं है इधर। ये तुलाजा फोर्ट की हिस्ट्री है, कुछ कहते हैं 5000 साल पुराना है, कुछ कहते हैं ये जलालुद्दीन खवारज़्म ने तकरीबन 1000-1200 साल पहले आबाद किया था।